बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आगाज करेंगे रिस्ट एम्बेडेड के कोर्स का, और ये कोर्स फोकस कर रहा होगा एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के ऊपर, जो कि की जाएगी यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिस्ट। इस कोर्स की प्री रिक्विजिट ये है कि आपको एक तो एम्बेडेड का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अगर ना भी हो तो इट्स ओके, मतलब ग्रेजुअली हम लोग वो कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको रिस्ट आनी चाहिए। और हमारे इस youtube.com/wajgan चैनल के ऊपर रिस्ट की बेसिक्स के ऊपर भी एक अलग से कोर्स अवेलेबल है, जिसको अगर आप गो थ्रू करें तो आप रेस्ट में प्रोग्रामिंग करने के ऊपर अपना जो ग्रिप है वो मजबूत कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं अल्लाह ताला के नाम से रेस्ट के इस कोर्स का। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, और मजीद डिटेल के लिए आप tinyurl.com/faisalrw पे जाएं तो आपको वहां पे मजीद डिटेल्स मेरे बारे में मिल जाएंगी। तो मैं इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स के ऊपर हम जो मेनली टेक्स्ट फॉलो करेंगे वो है रस्ट की डिस्कवरी बुक। ये बुक जो है ये रस्ट की तरफ से ऑफिशियल एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए जो बुक है वो सजेस्ट की गई है, बनाई गई है, राइट की गई है, और ये अवेलेबल है। वैसे तो उसका अपना जो यूआरएल है, आप चाहें तो गूगल के ऊपर रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक लिख के सर्च करें तो आपको उसका यूआरएल मिल जाएगा। बट आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स यही बुक फॉलो हो रही होगी, तो मैंने उसका एक शॉर्ट यूआरएल क्रिएट कर दिया है, tinyurl.com/rdisbook, आर फॉर रस्ट, डिस फॉर डिस्कवरी बुक बुक। तो रस्ट डिस्कवरी बुक जो है ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए tinyurl.com/rdisbook के यूआरएल पे। आप इस यूआरएल पे जाएं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल रस्ट की जो ये बुक है इसके लिंक के ऊपर। और ये बुक और इसके कंटेंट चूंकि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अगेंस्ट शेयर्ड हैं, तो वो रेफरेंस मैंने यहाँ भी आपको डिस्प्ले कर दिया है, ये उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है। और हमारी इस अगली सारी स्लाइड्स में वहीं से लिए गए कंटेंट्स और फिर अगेन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यूज हो रही होगी। तो जी आगाज करते हैं आज के कोर्स को। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है बेसिक लेवल के ऊपर अराउंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर है एक सिस्टम ऑन चिप या सॉक, इसकी जो एब्रीविएशन है वो SoC SoC होती है। अच्छा, भी SoC क्या चीज होती है ना, या सिस्टम ऑन चिप क्या चीज है, या माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज है? अब होता ये कि हमारा कंप्यूटर जो है या लैपटॉप है जो हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के पेरिफेरल्स, मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे एक प्रोसेसर लगा होता है, एक रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होगी, कुछ नेटवर्क का कार्ड होगा, कोई इंटरनेट की पोर्ट्स होंगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। आप कंप्यूटर, अगर आपके पास जो कंप्यूटर है उसकी अगर आप वो बॉडी को ओपन करें, उसकी केसिंग को खोलें, तो अंदर आप ये सब चीजें अलग अलग देख सकते हैं। आप चाहें तो प्रोसेसर, उसका हीट सिंक वगैरह उतार के, फैन उतार के उस प्रोसेसर को अलग से बाहर निकाल सकते हैं। सेम वे आपकी जो रैम की स्लॉट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, उनको निकालें, वो एक जो पूरी चिप होगी वो पूरी एक रैम की चिप होगी, सही है ना, उसमें प्रोसेसर समझ लगे नहीं होगा। सॉक क्या होता है एक्चुअली, या माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी की सारी चीजें उसी एक चिप में एम्बेडेड होती हैं, यानी कि वो जो आप जो माइक्रो कंट्रोलर अपने हाथ में उठाते हैं तो उसके अंदर समझ लें कि रैम भी होगी, उसके अंदर प्रोसेसर भी होगा, उसके अंदर स्टोरेज की छोटी सी वो हार्ड डिस्क भी होगी, ये सारी चीजें मतलब उसके अंदर ही उन्होंने डेवलप की होती हैं, एस्टेब्लिश की होती हैं। तो ये सिंगल चिप बन जाती है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम अवेलेबल होता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉक या सिस्टम ऑन चिप, ठीक है, उसको पैकेज भी कहा जाता है आम जबान में यूज करते हुए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप
जब इन माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं तो आपको ये रिक्वायर्ड सारी की सारी चीजें एक ही चिप में मिल जाती हैं, एक ही छोटे से ब्लैक कलर के आईसी में, एक छोटे से साइज में मिल जाती हैं। तो अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम यानी कि सिस्टम को एम्बेड करना है डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, तो वहां पे आप ये तो नहीं कर सकते कि यार आपने एक छोटी सी कोई चीज बनानी है, लाइक ड्रोन बनाना है, तो उसके साथ एक लैपटॉप लगा दें जो कि उसकी पूरी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, उस लैपटॉप में प्रोग्राम करके वो प्रोग्राम उसमें रख दें। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो होता ये है कि लाइक अगर आपने कोई ड्रोन बनाना है, कोई डिवाइस बनानी है, कोई एम्बेडेड जिसमें आपने यूज किया है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, राइट करेंगे, जो फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको उस चिप में बंद कर देंगे। उस चिप की रैम को, उस चिप के प्रोसेसर को यूज करते हुए वो काम करेगा, और उस चिप की जो लेग्स हैं वहां से सिग्नल भेज भेज के जो कम्युनिकेशन उसने आसपास मजीद डिवाइसेस से करनी है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो उस छोटी सी चिप के अंदर आपका एक समझ लें पूरे का पूरा कंप्यूटर छुपा होता है, जो कि दो उतना पावरफुल नहीं होता जितना आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है। बट ये जहन में रखें कि माइक्रो कंट्रोलर से होते हैं वो कोई खास काम परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। तो कंप्यूटर जो है हमारा वो जनरल पर्पस डिवाइस है, लैपटॉप एक जनरल पर्पस डिवाइस है। लैपटॉप में आप चाहें तो आप उसको प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करें, चाहें तो आप इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, चाहें तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करें, मतलब आप उससे जिस तरह का काम लेना चाहें ना वो आप उस तरह का काम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होगा। माइक्रो कंट्रोलर को एक तो सिंगल वर्ड कंसीडर करते हुए बनाया जाता है कि उसने किसी खास चीज के अंदर कोई खास एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और देन आप उसको प्रोग्राम भी उसी हवाले से करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में जब हम जो जो आगे जाएंगे तो आप लोगों को ये कंसेप्ट जरा मजीद क्लियर होते चले जाएंगे। फिलहाल हम आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ना, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनका ये सेंट्रल या बैकबोन या कोर पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं ये हमें बजाय शायद नजर ना आ रहे हो या नजर आ भी रहे हो तो हम समझ ना पा रहे हो कि ओके फाइन ये एम्बेडेड सिस्टम है, बट ये हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं चाहे हम उनको नोटिस करें या ना करें। इसकी एग्जाम्पल्स हैं आपकी, आपने देखा होगा ईबीएस ब्रेक्स आ रही होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, या आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका प्रिंटर है, इसी तरह आपके लाइक एसी या इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह हैं, ठीक है, इसी तरह आपके वो जो ईएफआई गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है वो है। ये सारी क्या है? ये एम्बेडेड सिस्टम है। कैसे हैं ये हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने हम सादी सी एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल गर्मी का जमाना है तो आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। अब एयर कंडीशनर में क्या होता है कि आप उसको सेट कर देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये जो दूसरे वाले नए वाले यूनिट्स आए हैं पुराने जमाने वालों के नहीं, तो आप उसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो टेम्परेचर चाहिए अपने कमरे का वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसको सेट कर देते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहां से एम्बेडेड सिस्टम्स का काम शुरू होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या करेंगे, ये किस किन चीजों पे मुश्तमिल होती हैं, थोड़ा सा हम आगे जाके अगली स्लाइड में देख लेंगे कि ये करेंगे। इनकी जनरल वर्किंग ऐसे होगी कि ये सबसे पहले तो आपके कमरे का टेम्परेचर सेंस करेंगे कि यार इस वक्त कितना टेम्परेचर है। आपने तो बता दिया कि यार मुझे 22 चाहिए, बट वो देखेंगे ना कि अभी कितना है। जब उनको पता चलेगा कि अभी है फॉर एग्जाम्पल 25, देन दे कम टू नो कि ओके अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे कहा गया है कि कमरे का टेम्परेचर 22 कर दो, तो इसके लिए मैं क्या करूं, यानी कि ये एसी का जो प्रोसेसर है जो एम्बेडेड उसके अंदर डिवाइस लगी हुई है वो ये डिसीजन लेगी कि ओके जो करंट टेम्परेचर है 25 है और जो मुझे रिक्वायर्ड टेम्परेचर कहा गया है करने को कमरे का वो है 22, तो अब इसके लिए मैंने टेम्परेचर को कम करना है, नीचे लेके आना है, तो वो अपना कूलिंग सिस्टम ऑन करके एसी को एक्टिव कर दे। तो क्या होगा कि अब एसी अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और परफॉर्म करते हुए वो कूलिंग करके कमरे में ठंडी हवा फेंकना शुरू कर देगा, जिससे कमरे का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
जबकि वो जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है ना, वो मुसलसल नोट डाउन कर रहा होगा कि करंट टेम्परेचर कितना है, करंट टेम्परेचर कितना है, करंट टेम्परेचर कितना है, तो ग्रेजुअली सेंस करेगा कि ओके फाइन, पहले 25 था, अब 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया। जब 22 हो गया ना, तो अब उसको पता चल जाएगा कि ओके, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मैंने अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया है। तो वो एक आध मिनट मजीद चल के उसके बाद अगर वो कमरे का टेम्परेचर उसको 22 की रीडिंग ही मिलती रहती है, तो वो अपने आप को बंद कर देगा। बंद क्यों कर देगा? अगर वो चलता रहे तो कमरे का टेम्परेचर 21-20 कम होना शुरू हो जाएगा ना। उसको ऑर्डर ही मिला हुआ था कि आपने 22 पे टेम्परेचर रखना, तो अपने आप को बंद कर देगा। बंद करने के बावजूद वो सेंस करता रहेगा कि ओके, टेम्परेचर 22 से इंक्रीज होने कर गया, इंक्रीज होने कर गया, ठीक है। और जो ही वो देखेगा कि अब टेम्परेचर की रीडिंग जाहिर है वैसे ही बंद हो गया, कूलिंग खत्म हो गई है, बाहर की हीट हल्की हल्की डिसिपेट हो रही होगी कमरे में, तो जो ही कमरे के टेम्परेचर वो सेंस करेगा कि 23 एंड अबव हो गया, तो वो दोबारा से एसी चला लेगा, और फिर जब 22 होगा तो बंद कर देगा। तो अब ये जो सेंसिंग वाले एसी का जो काम है ना, वो है कूलिंग करना। वो एसी कूलिंग कर रहा है, अब उसको ऑन करवा देते हैं, चाहे जिस तरह भी करवाएं, बटन से करवाएं या एम्बेडेड सिस्टम कमांड से करवाएं, वो ऑन हो जाता है, कूलिंग करता है, जब कहीं जी बंद हो जाओ तो बंद हो जाता है। उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस कहाँ बैठी हुई है? एम्बेडेड सिस्टम में बैठी हुई है, जो कि उस एसी के साथ एक अंदर चिप लगी हुई है, जो कि क्या कर रही है कि टेम्परेचर के सेंसर से टेम्परेचर कमरे का सेंस कर रही है, मॉनिटर कर रही है, और जब देखती है कि मेरा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मुझे मेंटेन रखने को कहा गया है उससे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो एसी को ऑन कर देती है। जब यही काम इनकी, जब वो देखती है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर मीट हो गया है, तो वो एसी को ऑफ कर देती है। ये वो काम था जो पहले किसी जमाने में हम लोग हाथ से करते होते थे कि यार गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दो, अब गर्मी लगनी खत्म हो गई है, कमरा ठंडा हो गया, अब एसी ऑफ कर दो। तो ये काम उठ के या रिमोट से करना पड़ा होता था। अब ये काम एम्बेडेड सिस्टम ने अपने जिम्मे ले लिया, ठीक है। तो एक बड़ी सादी और आम घरों में यूज होने वाली एग्जाम्पल है कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं या एम्बेडेड सिस्टम है, वो कैसे काम करते हैं। वो हमारे बिहाफ पे उनको प्रोग्राम कर देते हैं, या इवन प्रोग्राम करने के बाद जो एंड यूजर है उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो उस चीज के मुताबिक आपके एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करते रहते हैं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो जैसा कि हमने ये बात कही कि दे ऑपरेट विदाउट यूजर इंटरवेंशन, तो ये जब यूजर एक बार उनको कह देता है ना कि मुझे 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो फिर इनका काम है, वो बार बार यूजर से पूछेंगे कि नहीं कि यार अब 22 हो गया मैं बंद कर दूं, या अब 24 हो गया तो मैं दोबारा चला दूं। नहीं, उनको जब एक बार कह दिया तो उसके बाद ये उनका डिसीजन है कि वो सेंस करते रहें और उसके बाद वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहें, ठीक है। और ऑल्दो उनका कुछ हल्का फुल्का यूजर इंटरफेस होता है, जैसा कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है स्लाइड में वॉशिंग मशीन की है, कि आप वॉशिंग मशीन को कहते हैं कि जी मुझे ये इतने इस टाइप के कपड़े हैं और इस तरह से आपने धोने हैं, और ये ज्यादा गंदे हैं या कम गंदे हैं, और व्हाटएवर, और उसकी बेस पे फिर वो डिसीजन लेती है वॉशिंग मशीन खुद से ना, बाकी के डिसीजन तो खुद लेती है। आप तो 3-4 उसको इनपुट की बातें बताते हैं कि लाइक ये जो कपड़े हैं इनकी टाइप लाइक रेशमी है या सूती है और व्हाटएवर है, और ये कम गंदे हैं, ज्यादा गंदे हैं, और वगैरह वगैरह बाकी के मामला। या अगर हम एसी की जो हमने डिटेल में डिस्कस की, तो उसमें हमने ये देखा कि यूजर ने सिर्फ इंटरफेस के थ्रू एसी को इतना बता दिया कि भाई मुझे 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर कमरे का, बस। तो ये एक शॉर्ट सी चीज है, शॉर्ट सा इंटरफेस है, जिसमें यूजर सिर्फ बता रहा है कि मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज दिस, बस। उसके बाद फिर जो है एसी का अपना काम है कि वो माइक्रो कंट्रोलर उस एसी से किस तरह से चला के वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करे, ठीक है। तो यूजर ने लाइट से इंटरवेंशन की कि अपनी रिक्वायर्ड टेम्परेचर बता दी एसी को और एम्बेडेड सिस्टम को, और देन फिर एम्बेडेड सिस्टम का काम है वो कैसे एसी को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करवाते हैं, और वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? सॉक तो है उसके अंदर, जिसके अंदर रैम है, प्रोसेसर है, ये वो। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं भाई, वो क्या होती हैं? वो होती हैं जनाब, एक तो होते हैं सेंसर्स और एक होते हैं एक्टुएटर्स। सेंसर्स एम्बेडेड सिस्टम यूज करता है टू गेट रीडिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे हम है ना, अपनी आंखें हैं वो हमारे सेंसर हैं, हम उनसे देखते हैं एनवायरनमेंट को, उन्हें पता चलता है अच्छा हमारे सामने ये चीज़ है, हमारी राइट साइड पे ये चीज़ है, रोशनी है इतनी है, कम है, अंधेरा है तो कितना अंधेरा है। तो सेम इज द वे विद सेंसर्स, के सेंसर जो है ना वो एम्बेडेड सिस्टम्स की आंखें और कान होते हैं, नाक की बात मैं भी नहीं कर रहा। तो उसकी मदद से वो एनवायरनमेंट को देखते हैं, सुनते हैं, समझने वाला काम फिर सॉक में हो रहा होता है, ठीक है।
तो सेंसर्स क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट को रीड करके सॉक को या माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि भाई आसपास ये है हालात। और जो एक्टुएटर्स होते हैं वो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के हाथ और पांव। तो जैसे हमने सेंस करने के बाद एनवायरनमेंट को, हमको काम करना हो तो हम वो अपना हाथ हिलाते हैं, पांव हिलाते हैं ना, तो सेम इज द वे विद सेंसर्स कि वो सेंसर से जब डेटा रीड हो जाता है और माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड कर लेता है एनवायरनमेंट को, तो उस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, पर जैसे हम हाथ हिलाते हैं वैसे माइक्रो कंट्रोलर एक्टुएटर यूज करता है कुछ काम करवाने के लिए एनवायरनमेंट की तरफ। इसके अगर हम एग्जाम्पल लाएं एचवीएसी सिस्टम में या वो जो हमारा एसी वाला सिस्टम था उसमें, तो क्या होगा कि टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर होगा। ये दोनों सेंसर अपने एनवायरनमेंट में, उस कमरे में रीडिंग लेंगे टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, और वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे माइक्रो कंट्रोलर। तो अब क्या होगा कि जब यूजर आएगा, एसी ऑन करेगा, उसको सेट कर देगा 22 के ऊपर, तो वो ये होगा कि वो जो सेंसर्स हैं वो टेम्परेचर का सेंसर टेम्परेचर की रीडिंग लेगा और उस रीडिंग को कन्वर्ट करके वैल्यू की फॉर्म में, जो कि 25 है फॉर एग्जाम्पल, वो माइक्रो कंट्रोलर को भिजवा देगा। तो माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया कि अपने टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग ले ली। फिर एक और सेंसर था इंफ्रारेड सेंसर, जहां से यूजर ने रिमोट इस्तेमाल करते हुए उसको कमांड दी कि यार मैं ये चाह रहा हूं कि तुम मेरे कमरे का टेम्परेचर कर दो 22। तो ये दूसरी सेंसर से, उसने इंफ्रारेड सेंसर से रीड कर लिया यूजर की रिक्वायरमेंट की, भाई यूजर चाह रहा है कि 22 होना चाहिए। उसके बाद उसने प्रोसेसर में वो कंपैरिजन किया तो उसको पता चला कि फिलहाल कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है और यूजर की रिक्वायरमेंट है कम टेम्परेचर होना चाहिए। अब उसको पता चलेगा कि ओके, इसका मतलब है कि मैंने अब एसी ऑन कर देना है या कूलिंग सिस्टम ऑन कर देना है। अब वो क्या करेगा, वो अपने एक्टुएटर के थ्रू, एक्टुएटर कोई भी चीज होती है, वो बटन आप समझ लें उसको, एक डिजिटल बटन है, वो क्या करेगा कि डिजिटल बटन को, जो कि एसी की कूलिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है, उसको ऑन कर देगा। जब वो बटन ऑन होगा तो एसी का कूलिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, वो बाय स्टेशन मतलब हवा सक करेगा, उसको कूल करेगा और देन वेंट से उसको बाहर फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम है वो। अब क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली सेंसर से डाटा ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। एक्टुएटर को उसने एक बार एक्टिव करके छोड़ दिया, वो रीडिंग उसको आती जा रही है सेंसर से टेम्परेचर वाले, पहले 25, फिर 24, फिर 23, फिर 22, फिर वो चेक कर रहा है कि 1 मिनट तक, तो बाकी वो 22 मुसलसल आती जा रही है। तो अब उसको पता चल गया कि ओके जी, यूजर की रिक्वायरमेंट मैच हो गई है और यूजर जो टेम्परेचर चाह रहा था 22, वो अब अचीव हो गया कमरे में ना, मुझे सेंसर से रीडिंग अब जो मिल रही है वो यूजर की रिक्वायरमेंट, ये दोनों बराबर हो गई हैं। अब वो क्या करेगा, वो उस एक्टुएटर को कमांड भेजेगा कि ओके शट डाउन द कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो एक्टुएटर, वो जो डिजिटल स्विच है उसको ऑफ कर देगा। वो जो ही ऑफ होगा तो कूलिंग सिस्टम रुक जाएगा, कूलिंग सिस्टम रुक जाएगा तो जो एसी जो है वो काम करना खत्म कर देगा। ठीक, लेकिन वो एम्बेडेड सिस्टम खत्म नहीं करेगा, वो मुसलसल सेंस करेगा अपने टेम्परेचर सेंसर को कि वहां से जो रीडिंग आ रही है वो 22 ही है ना, उससे बढ़ तो नहीं गई। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब कमरे में गर्मी बढ़ेगी तो दोबारा से डिजिटल स्विच को ऑन कर देगा और दोबारा से उसको कूलिंग स्टार्ट करवा देगा। तो इस तरह से वर्क होता है कि सेंसर, एक्टुएटर और माइक्रो कंट्रोलर एज ए ब्रेन, ये तीनों मिलकर काम करते हैं और आपके एनवायरनमेंट को, या जो भी काम उनके जिम्मे लगाया गया, लाइक एसी के केस में उसने कूलिंग या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ब्रेक के केस में वो गाड़ी के टायरों को रोकने की कोशिश करेगा और देखेगा कि इसका स्पीड कितनी है, कौन सा टायर कितने आरपीएम पे मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो ये सेंसर से सेंस करेगा और एक्टुएटर से कंट्रोल करेगा, ये काम है माइक्रो कंट्रोलर का। तो आपने बस ये तीन चीजें याद रखनी है, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स के, एम्बेडेड सिस्टम के बुनियादी तौर पर तीन पार्ट्स होते हैं। सेंसर जो कि आंखें और कान का काम कर रहे होते हैं, एक्टुएटर जो कि हाथ और पांव का काम कर रहे होते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर खुद जो कि ब्रेन का काम कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि हम माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज करें। बहुत सी रीजंस हैं, आप
इस पे ऐसे लिखना चाहें तो आपको हजार हाँ रीजंस मिल सकती हैं, हजार हाँ ना भी सही तो सैकड़ों मिले जाएंगे। हम जरा मेन मेन पे रहते हैं क्योंकि हमारा अक्सर माइक्रो कंट्रोलर का यूजेज और प्रोग्रामिंग सीखनी है ना कि कुछ और। जो सबसे मेन रीजन है वो है कॉस्ट। जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपके आम कंप्यूटर से बहुत सस्ते होते हैं। उसकी वजह ये भी है कि वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते ना। आपका जो कंप्यूटर है वो 2 GB या 4 GB या 8 GB रैम होगी उसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर में चंद किलोबाइट ऑफ द रैम होगी। आपका जो प्रोसेसर है वो गीगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा और उसके अंदर भी 8-8 कोर्स होंगे, यानी कि 8-8 अलग अलग समझ लें कि प्रोसेसर्स लगे हुए होंगे। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर की सिंगल कोर होगी और वो शायद 100 MHz तक होगा, ना कि गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से ना ये बड़े लेस पावर वाले होते हैं लेकिन बहुत ही सस्ते भी होते हैं। जो आपका कोर i7 का नई जनरेशन है, 10th जनरेशन है, उसका प्रोसेसर में भी आपको शायद 40,000 कॉस्ट कर रहा हो। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है सादा सा, ये आपको फ्यू 100 rupees या मैक्सिमम 2,000 rupees कॉस्ट करेगा, जो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर है। बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा, जिस तरह डिस्कवरी बोर्ड हम यूज करेंगे वो शायद अप्रोक्सीमेटली 5,000 के, इसलिए कि उसके अंदर सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, उसके अलावा मुख्तलिफ सेंसर्स भी लगे हुए हैं। वो पूरा एक डेवलपमेंट बोर्ड है, उसमें से जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी प्राइस फ्यू 100 या कपल ऑफ 1,000 rupees होगी। तो पहली बात तो ये कि माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर से, और इसके अलावा इनको बहुत कम एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं ऑपरेट होने के लिए। कंप्यूटर में ना पूरा आपको डब्बा चाहिए, फिर स्क्रीन चाहिए, फिर कीबोर्ड चाहिए, फिर माउस चाहिए, ठीक है, फिर इंटरनेट चाहिए वगैरह वगैरह। इनको कुछ नहीं चाहिए होता सवाए प्रोग्राम की और कनेक्टिविटी के, सेंसर से कनेक्ट हो जाए, एक्टुएटर से कनेक्ट हो जाए और हल्की फुल्की सी पावर मिल जाए। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपकी ये जो पीसीबी जो इसकी बनती है ना वो बड़ी छोटी सी होती है, जिसमें आप ये एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं और देन उससे आगे फिर कनेक्ट करते हैं सेंसर्स को और एक्टुएटर्स को, और इनकी सस्ती कॉस्ट की वजह से आपका ओवरऑल सिस्टम की जो प्राइस है वो बड़ी डाउन हो जाती है। दूसरी जो मेन पावर जो कंजप्शन है ना वो इसकी बड़ी मेजर रीजन है यूटिलाइजेशन की। पूरा कंप्यूटर लगाएंगे उसके लिए आपको वो 500 वॉट वाली पावर सप्लाई कम से कम चाहिए होगी, प्लस कंटिन्यूस पावर रिक्वायरमेंट ये वो फलाना का। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के केस में आपको बिल्कुल हल्की सी पावर चाहिए, बिकॉज उसका इतना छोटा साइज और लेस कंपोनेंट होते हैं तो पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। और स्पेशली अगर आपकी डिवाइस ऐसी जगह पे आप लगा रहे हैं जहां पे पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसी सूरत में आप जाहिर है फिर उसको बैटरी से पावर देंगे और बैटरी आपको पता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग रनिंग लॉन्ग सस्टेनेबल वो नहीं होती। तो जितनी डिवाइस कम पावर यूज करेगी उतनी वो बैटरी की लाइफ जो है ना वो लॉन्ग होती चली जाएगी। तो ये दो मेजर वजूहात हैं, कॉस्ट और लेस पावर कंजम्पशन, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज एक और भी है जो कि ना शायद ने लिखी हुई है, वो इनका छोटा सा साइज और उसके साथ साथ छोटा सा वजन एंड एवरीथिंग ना। उसके बाद एक और बड़ी मेजर चीज होती है, वो होती है आपके रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये क्या चीज है? रियल टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब है कि एक ऐसा एक्शन जो आपने रियल टाइम में एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके मुताबिक फौरी रिस्पॉन्स करना है। जैसे अगर आपके हाथ में पेन चुभ जाए या पाँव में कोई कांटा चुभ जाए, अब आपने क्या करना होगा? जो ही आपको चुभन फील होगी ना, फौरन वहां पे आंखों से देखेंगे, आंखों को ड्रैग करेंगे कि चेक करके बताओ कि मेरी उंगली वाले एरिया में क्या इशू हो रहा है ना, जिसकी वजह से मुझे चुभन फील हो रही है। तो आपको नजर आएगा कि मेरी उंगली में पिन दाखिल हो रही है, तो अब फौरन दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद
यानी कि सेंसर्स क्या है, आपकी आईज है, आपने आईज को कहा कि चेक करके मुझे बताओ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है मेरे हाथ की तरफ, और उसने सेंस करके आपके दिमाग को बताया कि जी आपकी उंगली में पिंच उभ रही है, ठीक है। तो आपने अब एक्टुएटर को कंट्रोल किया, अपने मशीनरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हुए अपने मसल्स को फौरन कमांड दी कि फौरन से हाथ को पीछे खींच लो। तो जो ही आपके मसल्स ने आपकी हाथ को पीछे खींचा तो उंगली जो है पिन की नोक से दूर हो गई, तो आपकी वो चुभन खत्म हो गई और आपकी जान बच गई। लेकिन सपोज करते हैं कि आपकी वो पिन अभी उंगली में घुस रही थी और वो आपके सेंसर्स ने थोड़ा टाइम लगा दिया ये चीज सेंस करने में, आपको दर्द फील नहीं हुआ या दर्द फील हो रहा था, आपने कमांड तो भिजवा दी लेकिन आंखों ने कहा नहीं भाई हम तो कहीं और बिजी हैं किसी और शय के नजारे में, तो जरा वहां से फारिग हो जाएं तो फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है उंगली की तरफ। तो जब आपने देखा थोड़ा टाइम लगा के, तो पता चला तब तक उंगली पूरी आपके अंदर वो जो है पिन घुस चुकी थी और वो जो आपको डैमेज हो गई थी उंगली में वो डैमेज हो चुकी है ना, तो नुकसान हो गया। तो ये होते हैं वो रियल टाइम कंस्ट्रेंट के, बाद जगहों पे आपको फोरी सेंस करके फोरी रिस्पॉन्स देना होता है रियल टाइम में, उसी वक्त उसी घड़ी उसी सेकंड उसी माइक्रो सेकंड उसी नैनो सेकंड में। तो जनाब ऐसी जगहों पे ना फिर आप वेट नहीं कर सकते कि आपका कोई सेंसर या कोई और डिवाइस या आपका प्रोसेसर किसी और काम में बिजी और हो गया, या ठहर जाओ मैं जरा दो मैं भी बिजी हूँ, दो मिनट बाद देखता हूँ, तो ऐसा काम फिर जहां पे हो वहां पे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड में से, कि आपका कोई क्वाड कॉप्टर या ड्रोन है जो कि आपने बनाया है और वो उड़ रहा है, आपको पता है कि कुछ चीजें उड़ती है तो हवा शवा भी उसको लगती है। तो सपोज एकदम से हम सपोज करते हैं कि उड़ते उड़ते आंधी आ गई, हवा तेज चलना शुरू हो गई। अब इसमें वो एयर प्रेशर मॉनिटरिंग का सेंसर लगा होगा, अब वो क्या करेगा, वो फौरन से एयर स्पीड की वैल्यू भिजवा रहा होगा प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो कंट्रोलर उसके मुताबिक डिसीजन ले रहा होगा। तो जो ही वो देखेगा कि यार हवा तेज चल पड़ी है, तो सपोज वो डिसीजन ले लेगा कि ओके फाइन ड्रोन को फौरन नीचे उतार दो ताकि वो तेज हवा की वजह से ये आउट ऑफ द कंट्रोल फ्लाई ना करे और जाके किसी चीज से ना टकरा जाए, ठीक है, किसी दरख्त वगैरह से आसपास की चीजों से। तो ये होगा कि जो ही आंधी चली और तेज हवा आई तो फौरन सेंसर ने सेंस किया कि हवा की स्पीड तेज होगी, उसने फौरन अपने आप को लैंड करवा लिया। लेकिन सपोज अगर यही काम हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं और कंप्यूटर पे हमने कोई वीडियो लगाई हुई, हम कोई मूवी या कोई सॉन्ग देख रहे हैं, अब क्या हुआ कि सेंसर ने रीडिंग करके भेजी लेकिन डिस्प्ले के ऊपर तो हमारे वो स्क्रीन खुली हुई थी कोई और यूट्यूब वाली, तो हमें वो स्क्रीन नजर ही ना आई क्योंकि वो तो डेस्कटॉप के ऊपर फ्लैश हो रहा था कि जी हवा की स्पीड तेज हो रही है, हवा की स्पीड तेज हो रही है, तो डेस्कटॉप तो हमें नजर ही नहीं आ रहा था, हमें तो यूट्यूब की स्क्रीन नजर आ रही थी। तो साथ ही उसने बीप भी देना शुरू कर दिया आपके लैपटॉप ने, आपके कंप्यूटर ने, टूं टूं टूं। तो अब आप महव थे कोई सॉन्ग सुनने में किशोर कुमार के या लता मंगेशकर के, तो आपने कहा यार ये पता नहीं क्या ये म्यूजिक बीच में साथ अलग से बजना शुरू हो गया, कोई रिथम शिदम पूरा नहीं आ रहा। तो आपने YouTube को डाउन किया तो देखा कि सेंसर की रीडिंग डिस्प्ले हो रही है कि जनाब हवा की स्पीड 100 थी, 200 होगी, 300 होगी। तो आपने कहा हो ये क्या हो गया भाई, फटाफट ड्रोन उतारो। तो अब इतनी देर में हो सकता है कि आपका ड्रोन उस तेज हवा की वजह से ना जाके किसी आसपास किसी दरख्त से किसी चीज से टकरा के डैमेज हो चुका हो, ठीक है। वजह क्या थी कि आपका जो प्रोसेसर था या आपका कोई सेंसर था या आपका जो एक्टुएटर था, तीनों में से कोई पार्ट कहीं और बिजी था, उसने इस रीडिंग को थोड़ा टाइम दिया प्रोसेस करने में, देखने में और उसके मुताबिक एक्शन करने में, इतनी देर में उधर से काम खराब हो गया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई फायर सेंसर्स लगाए हुए, स्मोक सेंसर्स लगाए हुए, तो अब अगर आग लग जाती है तो क्या होना चाहिए कि वो फौरन से स्मोक सेंसर सेंस करें, फौरन से रीडिंग भिजवाएं और जो पीछे माइक्रो कंट्रोलर है वो ये सेंस करे कि ओके फलां कमरे में आग लगी है, तो उसके मुताबिक फौरन से एक्टुएटर्स के थ्रू चाहे सायरन बजा दे, चाहे अगर कोई उसमें फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है उसको एक्टिवेट कर दे जो कि पानी फेंकना शुरू कर दे उस कमरे में, ठीक है। लेकिन सपोज आग अभी लगी
और वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट में तो आपको सोच लें कि वो आग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी ना। ठीक है, तो ये होते हैं रियल टाइम कंस्ट्रेंट, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट को रियल टाइम में सेंस करके, रियल टाइम में प्रोसेस करके, रियल टाइम में रिस्पॉन्स देना होता है। तो ऐसी जगहों पे फिर आप ये मल्टी पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपर्पज डिवाइसेस, जैसा कि हमारे कंप्यूटर वगैरह हैं, इनको यूज नहीं कर सकते। क्यों? कि उस वक्त जब रिक्वायरमेंट हुई, उस वक्त अगर ये किसी और काम की प्रोसेसिंग में बिजी हुए तो फिर तो काम खराब हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो एम्बेडेड डिवाइसेस बनाते हैं उनमें डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, जिसका काम है अगर जैसे आग या स्मोक सेंस करना है, वो मुसलसल 24 घंटे स्मोक ही सेंस करता रहेगा, और जो ही स्मोक सेंस होगा एक रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा, तो फौरन से उसने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, फाइल फायर सप्रेशन सिस्टम ऑन करना है, अलार्म ऑन करना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है, जो भी करना है वो फौरन से एक्टिव हो जाएगा। उसका और कोई काम नहीं होगा दुनिया में सिवाय ये काम के जो कि आपने उसके जिम्मे लगा दिया। ठीक है, तो ये काम में वहदानियत का कंसेप्ट आप समझ लें। तो इस वजह से फिर जनरल पर्पज सिस्टम, जो कि जनरल पर्पज ओएस रन कर रहे होते हैं, उनको ऐसे एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम डेडिकेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करना एडवाइस नहीं करेंगे। पहले तो हमने देखा ना कि कहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोलर को यूज करना चाहिए, अब हम देख रहे हैं कि कहां पे माइक्रो कंट्रोलर को यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनमें पावर कंजम्पशन लो है, डेडिकेटेड है, साइज में कम है, सस्ते भी हैं, तो साथ भाई इनकी प्रोसेसिंग पावर भी बड़ी कम है ना, तभी सस्ते हैं। ऐसी तमाम जगह है जहां पे आपने कोई हैवी कैलकुलेशन करनी हो, वहां पे फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है ना वो इफेक्टिव साबित नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी बेचारों की प्रोसेसिंग पावर ही बड़ी कम होती है। कमजोर सा बंदा है, उसको आप कहें यार तुम यहाँ बैठ जाओ दरवाजे पे, और जो बंदा आ रहा है जा रहा है उसको नोट करते रहो, कोई उल्टा सीधा बंदा आए तो उसको अंदर दाखिल ना होने देना। ठीक है, उसको रोक देना या बेल बजा देना कि वो गलत बंदा आ गया, अलार्म बजा देना। ये काम तो बड़ी आसानी से कर लेगा भाई, कि उसको आपने काम पे लगा दिया, वो बस बैठा हुआ है, मॉनिटर कर रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो जानने वाले हैं उनको जाने दे रहा है, जो ही कोई देखता है कि अनजान बंदा आ गया फौरन एक बटन दबाते हैं, अलार्म बज जाता है। ये तो कमजोर से बंदे के लिए बिल्कुल ठीक काम है। लेकिन आप उसे कहें कि यार तुम यूं करो कि ये जो है ना 50-50 kg के सीमेंट के बैग्स हैं, ये उठाओ और 5वीं मंजिल पे ले जाओ छत की, और बैग भी हैं 150, तो वो बेचारा तो बैग शायद पहला भी ना उठा पाए, या चलो उठा ले तो शायद कोई एक आध मंजिल भी चढ़ जाए, उसके बाद उसने ठोस हो जाना है ना, क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है ये काम करने की। तो ये चीज है कि जहाँ पे हैवी काम इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे फिर ये अपने लेस साइज, लेस पावर कंजम्पशन, लेस कॉस्ट के साथ साथ लेस प्रोसेसिंग पावर की वजह से वहां पे जाकर ये फेल हो जाते हैं, वहां पे सही परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसी जगहों पे जहां पे आपको हाई कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट हो, वहां पे आप इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आपने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है, तो वहां पर ये फेल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक सिंपल एडिशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करवाने के लिए इनको हंड्रेड्स ऑफ सीपीयू साइकिल लग जाएंगे। कर तो लेंगे किसी ना किसी तरह, लेकिन टाइम इतना ज्यादा लगा देंगे ना कि वो आपका वो जो रियल टाइम वाला फैक्टर है ना वो मारा जाएगा। ऐसे तमाम एरिया जहाँ पे हाई कंपटीशन रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे फिर आप या तो उनको यूज नहीं करते, या हाई पावर माइक्रो कंट्रोलर्स भी होते हैं, वो फिर बाज होगा तो ऐसे भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से भी महंगे होंगे। कुछ कार्ड्स होंगे वो मे बी शायद $10,000 के मिलते हों, ठीक है, होंगे वो माइक्रो कंट्रोलर टाइप बेस्ड कार्ड ही या एम्बेडेड सिस्टम के लिए होंगे, बट वो फिर वो हाई प्रोसेसर, हाई पावर रिक्वायरमेंट एंड हाई कंप्यूटेशन भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं या ये जो कंसेप्ट है, ये जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर जो मिल रहे होते हैं आम जो मार्केट में है सस्ते मस्ते से, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो कोर्स फोकस कर रहा होगा ये मेनली रस्ट की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग पे कर रहा होगा,
अभी यूएली रस से पहले तो सी ही मेन प्लेयर था एम्बेडेड सिस्टम की मार्केट में, सी एंड असेंबली, बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड उनकी लॉन्ग लाइफ, वो जो उनकी लॉन्ग प्रेजेंस है उसके हवाले से. अब रस्ट आई है जिसने सी के मुकाबले की स्पीड भी दे रही होती है, लेकिन मेमोरी सेफ्टी एंड अदर काइंड ऑफ सेफ्टीज भी दे रही होती है. तो रस्ट यूज की जाए ना की जाए, सी यूज की जाए, तो रस्ट क्यों यूज की जाए ना? पहली वजह तो ये कि हमारा कोर्स जो कि रस्ट की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के हवाले से है, तो जाहिर है हम इसमें रस्ट यूज करेंगे. लेकिन जो एक दूसरी बात, ये इमर्जिंग लैंग्वेज है रस्ट, तो जाहिर है ये ग्रेजुअली डोमिनेट कर सकती है मार्केट को, दैट डिपेंड्स, बट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. तीसरा, जो एक अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ द फीचर है रस्ट के अंदर जो सी में नहीं है, वो है इसका पैकेज मैनेजर. रस्ट के अंदर आपको पता है कार्गो होता है पैकेज मैनेजर, जो कि आपके बड़े सारे कंपाइलेशन एंड उसके हवाले से सारे टास्क को कंट्रोल कर लेता है, आपके आसानी को ऐड कर देता है, जो कि सी वाले एरिया में मिसिंग था. ठीक है, और इस पैकेज मैनेजमेंट की वजह से आपका कोड की रीयूजेशन, उसके अलावा उनकी लाइब्रेरी बनाना, फिर उसको दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करवाना या दूसरी लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना, ये सारे मामला बड़े आसान हो जाते हैं. सी ये वाला फीचर लैक कर रही होती है. ठीक है, वैसे सी बड़ी जबरदस्त है हर हवाले से और मेच्योर भी है इंतहाई ज्यादा, रेस्ट के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा मेच्योर है. स्पीड वाइज दोनों ही एफिशिएंट है, कोई शक नहीं. सी की सपोर्ट ज्यादा है, हर तरह के माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस के लिए आपको सी की सपोर्ट मिल जाएगी, रस्ट की भी लिमिटेड है. बट जाहिर है ग्रेजुअली चूंकि रस्ट अपने फीचर्स की वजह से आगे आ रही है, तो जो जो आगे आ रही है तो इसकी सपोर्ट भी फिर बढ़ती चली जा रही है. तो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अच्छा, हम रेस्ट क्यों ना यूज करें? जैसे कि हमने पहले देखा ना कि हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करें और कहाँ पे ना करें, तो हमने देखा कि ओके फाइन, हम रेस्ट तो यूज कर लें, लेकिन क्यों ना यूज करें या कहाँ पे ना यूज करें, या ना यूज करने के फायदे क्या हैं रेस्ट की जगह अगर हम सीवी पे चले जाते हैं. तो सबसे पहला फायदा तो वही है कि सी एक मेच्योर इकोसिस्टम है, सी का इतने सालों से है, कुछ 40 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल में. तो 40 साल का जो मेच्योरिटी है ना, और जो सपोर्ट है, उसको आप फिलहाल रस्ट उसके मुकाबले पे समझ लें शायद 0 पे ही खड़ी है. ग्रेजुअली वेर इंक्रीज होना शुरू हो गई है और बड़ी शार्पली इंक्रीज आ रही है, बट ये है कि स्टिल सी के मुकाबले में बहुत पीछे सपोर्ट के हवाले से. आपको ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के, ऑलरेडी जो है अवेलेबल. तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि आपको रेडीमेड कोड या रेडीमेड कोई उसका लाइब्रेरी अवेलेबल हो, आप सिंपल उसको इंपोर्ट करें अपने प्रोजेक्ट में और उसके फंक्शंस को, एपीआई कॉल्स को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम, मतलब जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट थी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए. इसी तरह से जब आपने कोई सेंसिटिव प्रोसेस कंट्रोल करने हैं रियल टाइम में, तो एक चीज यूज होती है आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ढेरों कमर्शियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आप वो यूज करें और उनके मुताबिक इंट्रैक्शन शुरू करवा दें. रेस्ट के केस में अभी तक कोई प्रोडक्शन ग्रेड लेवल का कमर्शियल RTOS अभी तक जनरली अवेलेबल नहीं है. हैं अवेलेबल, डेवलपमेंट कंटिन्यूज है, बग्स निकल रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं ग्रेजुअली डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, लेकिन जो सी के मुकाबले के RTOS हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है. तो क्या होगा, या तो आपको सारे का सारा काम खुद से करना पड़ेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपना RTOS को डिजाइन करेंगे, या जो ऑलरेडी डेवलप हैं, डेवलपमेंट के अंदर हैं, डेवलप हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं ग्रेजुअली, उनको यूज कर लें. लेकिन फिर आपको ये साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उनके अंदर जो नए बग्स निकल रहे हैं उनको आपने फिर अपने
जो आपने जहाँ पे उसको यूज किया है उसको फिर अपग्रेड भी करना पड़ेगा ग्रेजुअली साथ साथ। और आपको पता है कि एम्बेडेड डिवाइसेस में ये जो अपग्रेडेशन वाला पोर्शन है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, बिकॉज आपने जो चिप बनाई उसमें जो कोड किया वो जाके पता नहीं कौन सी चीज में लगी हुई होगी। अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर ही है, अब आपने कोई चिप बना रहे हैं ईबीएस के लिए, तो आपने उसको प्रोग्राम कर दिया और वो प्रोग्राम करके अब आपने वो गाड़ी के अंदर एम्बेड कर दी और गाड़ी पता नहीं किसने खरीद ली, तो वो अब आप उसको अपग्रेड करना चाहें तो ये भी आपके लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाए कि वो गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है और फिर आप वो चिप पता नहीं वो कौन से अंदर घुस के इंजन के अंदर किसी जगह पे लगी हुई है, तो आप उसको कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बड़ा मतलब लाजा हो जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसकी वजह से। अगर आप कोई प्रोडक्शन लेवल की असाइनमेंट पे हैं तो आपको ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना है कि मैं रस्त को आगे लेके चल रहा हूँ तो मुझे क्या इश्यूज आ सकते हैं। वो आपके जहन में होंगे ना, तो फिर आप पहले से उनका को हल सोच के इस पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आज का ये पहला लेक्चर हमारा जो एम्बेडेड रस्ट के ऊपर है इसका हम इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर इस के सेकंड चैप्टर को देखते हुए हम आगे लेके चलेंगे सिस्टम को। और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। तब तक एक बार मैं दोबारा से आपको रिव्यू करवा दूं कि इस कोर्स में हम जो बुक यूज करेंगे वो रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक है। आप गूगल में रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक लिखें तो आपको उसका यूआरएल मिल जाएगा, या आपकी आसानी के लिए tinyurl.com/rdisbook RDISBOOK। इस यूआरएल पे आप चाहें तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस रस्ट वाली ऑफिशियल बुक के पेज के ऊपर। ठीक है, टाइनी यूआरएल सर्विस है जो कि लॉन्ग यूआरएल्स को शॉर्ट करने के काम आती है, और ये बुक हम यूज करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत जल्द youtube.com/khwajgan के चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वहां से आप अगर लेटर ऑन कोई मजीद कंसेप्ट क्लैरिफाई करना चाहें, इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहें, तो वहां विजिट करके आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद अगर तो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसके सेकंड चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो इस रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक का चैप्टर नंबर 1 कवर करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।